हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। ये आपका चाबहार में चीन का नया दाव, इसके जो संपादक साहब हैं उनका नाम है विवेक काटजू, ये पूर्व राजदूत हैं। याद रखिए, चाबहार वही है जो भारत और ईरान के बीच जिस पर समझौता हुआ था। देखिए, ये आपका प्यारा भारत है एशिया में, इसके बाद ये है आपका ईरान, ठीक है। ये यहाँ आपका चाबहार बंदरगाह है, इसे बेहतर तरीके से आप देखेंगे इसमें इस साइड। देखिए, ये इंडिया हो गया और यहाँ से आपका ये है चाबहार पोर्ट, और यहाँ से आपका कनेक्टिविटी, अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी बनाने के लिए हमने इसका निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से आप लोग पीओके वाला हिस्सा लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि पीओके वाला हिस्सा आपका पाकिस्तान के अंडर में है, पाकिस्तान का कब्जा है। तो यहाँ से हमारी कनेक्टिविटी हो नहीं पाती है क्योंकि चाइना ऊपर है, चाइना भी हमारे संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इस चाबहार पोर्ट का निर्माण किया था, और यहाँ से आपका अफगानिस्तान तक पहुँच बनाने के लिए, ठीक है। ये आपका ग्वादर है, किसका? चाइना द्वारा विकसित किया गया है ग्वादर, और इसी के विकल्प में हम लोगों ने, इसी के विपक्ष में एक चाबहार पोर्ट हम लोगों ने बनाया था। देखिए पास में ही, तो इसी के बारे में एक पॉइंट बताए गए हैं, क्या आर्टिकल है इसे देखते हैं। 2 दशक से भी अधिक समय से भारत की नजर ईरान के चाबहार बंदरगाह पर रही है। इसके जरिए यही मंशा रही है कि चाबहार से ईरान की सरजमीं से होते हुए अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। देखिए, आप लोग समझ रहे हैं ना, ये आपका चाबहार पोर्ट हो गया, यहां से आपका अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान कभी भी भारत के लिए अफगानिस्तान का रास्ता अपने पंजाब सूबे के जरिए नहीं खोलेगा। ईरान की भी यही ख्वाहिश रही है कि चाबहार बंदरगाह को विकसित किया जाए और सड़क व रेल संपर्कों के जरिए अफगानिस्तान तक एक और पहुंच बनाई जाए। इसी वजह से भारत व ईरान में समझौते हुए और दोनों देशों ने यह तय किया कि भारत चाबहार बंदरगाह के विकास में योगदान देने के साथ साथ ईरान के साथ मिलकर चाबहार से जाहेदान तक रेलवे लाइन बिछाने का काम करेगा। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है। आप देखिए, हवाई यात्राओं को भी रोक देता है, हमारी जो हवाई यात्राएं रहती हैं उसके ऊपर से गुजरने के लिए रोक देता है, तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते हम लोग किसी भी का। तो इसीलिए ही हम लोगों ने एक विकल्प अच्छी तरह से तैयार किया है, चाबहार। मगर कुछ दिनों पहले ईरान ने यह इल्जाम लगाते हुए कि इस रेल परियोजना में भारत ने कोई तत्परता नहीं दिखाई है, वादे के मुताबिक राशि खर्च नहीं की है, उसने खुद इसे बनाना शुरू कर दिया है। जाहिर है कि ईरान इस कदम से भारत के हितों को झटका लगा, मगर इसके साथ साथ यह भी खबर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि चीन और ईरान के बीच समझौता हो रहा है जिसके तहत दोनों देश आर्थिक व सैन्य सहयोग बढ़ाएंगे, और ईरान के विकास के लिए चीन अगले 20 वर्षों तक उसकी विभिन्न परियोजनाओं पर खूब खर्च करेगा। यदि ऐसा होता है तो इससे पश्चिम एशिया का सामरिक और आर्थिक रूप बदल सकता है। यह खबर इसलिए भी सही जान पड़ती है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर अपना शिकंजा और कस दिया है, जिससे उसकी माली हालत पूरी तरह चरमरा गई है। ऐसे में अब आशंका है कि ईरान चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन पर चीन से आर्थिक मदद मांगेगा। एक बात आप लोग याद रखिए, चीन का एक काम नहीं है ऐसा। पाकिस्तान में देखिए, बड़े इतने बड़े स्तर पर निवेश कर देता है कि उसके कर्जदार बन जाते हैं। आप सोचिए कि आपका पर कोई इतना खर्च कर दे पैसा कि आप उसके जिंदगी भर कर्जदार बन जाए, तो आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। तो यही किया है चीन ने कि पाकिस्तान को देख लीजिए, आप नेपाल पर भी अपना दबदबा बनाने लगा है, आपका बांग्लादेश पर भी इस तरह का दबदबा बनाने लगा है, और यहाँ श्रीलंका पर आपने देखा है। और बाद में क्या होता है कि इस पर इतना कर्ज दे देता है इन देशों को कि कर्ज का जो ब्याज होता है उसे चुकाने के लिए उसे चीन से दोबारा कर्ज लेना पड़ता है। आपने एक समय साहूकारों के बारे में सुना होगा, हमारे देश में साहूकार हुआ करते थे जो किसानों को ब्याज दिया करते थे, उसके बाद ये क्या किया करते थे कि ब्याज इतना हो जाता था कि ब्याज को चुकाने के लिए हमें उनसे और ऋण लेना पड़ता था, और उनके हम लोग इतनी बुरी तरह से फंस जाते थे उसमें कि कभी कभी हमें जमीन भी बेचनी पड़ती थी। यही आपका चीन कर रहा है, और चीन देखिए महाशक्ति बनने यानी कि अमेरिका से आगे बढ़ने में कोई
कोई कमी नहीं रहने दे रहा है। और कई आपके इतिहास अर्थशास्त्री कह भी रहे हैं, कई रेटिंग एजेंसियां भी कह रही हैं कि चीन कुछ सालों में आपके अमेरिका को पीछे छोड़ देगी जीडीपी के मामले में। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि WHO से चीन हटा, सॉरी अमेरिका हटा, चीन ने तुरंत कदम रख दिया। अफगानिस्तान से देख सकते हैं आप लोग, जैसे ही अमेरिका ने पैर खींची, चीन ने तुरंत पैर रख दिए। ईरान में आपने देखा है, और याद रखिए अब अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा शक्तिशाली, क्योंकि आपने देखा है कि अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों के सामने हथियार डाल दिए, समझौता करके निकलना पड़ा। और ईरान पर भी उसी ने इसी तरह की सेंसन लगाए हुए हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हम अभी अगर इस पर काम नहीं कर रहे हैं, जिसका ईरान हम पर दोष मढ़ रहा है, तो हम यही चाह रहे हैं कि अभी 2019 में लास्ट, सॉरी 2020 लास्ट में चुनाव है अमेरिका में, हो सकता है राष्ट्रपति बदल जाए, यानी कि ट्रम्प साहब हट जाए, दूसरी कोई राष्ट्रपति आए और वो ईरान को कुछ तरह से छूट दे, क्योंकि ओबामा साहब ने देखा था कि एक समझौता हो चुका था ईरान के साथ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब आए और उन्होंने फिर से बिगाड़ के रख दिया उसे। तो हम इसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ खर्च करने का मतलब है अगर पूरी तरह से ईरान पर हमला करता है अमेरिका, तो आप जो भी यहाँ विकास योजनाओं पर पैसा खर्च करेंगे वो बर्बाद हो जाएगा। और इसी का फायदा चाइना उठा रहा है, और आप देख रहे हैं कि आपकी तरफ अमेरिका झुक रहा है, तो ईरान आपसे दूर जा रहा है, रूस आपसे दूर जा रहा है, क्योंकि रूस कभी नहीं चाहेगा कि आप अमेरिका से दोस्ती करिए। और चीन हर संभव कोशिश करता है कि अमेरिका से जिसकी बुराई है उससे दोस्ती करना, तो यही कर रहा है। इन खबरों की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह फैसला किया था कि परमाणु हथियार बनाने की ईरान की महत्वाकांक्षी को रोकने के लिए उसके साथ समझौता करना जरूरी है। नतीजतन साल 2015 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, जिसकी शर्तों के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम संवर्धन करने की अपनी मंशा 10 वर्षों के लिए त्याग भी दी। इसके बदले में अमेरिका ने ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटा लेने का भरोसा दिया। साथ ही यह भी तय किया गया कि अमेरिकी बैंकों में जमा ईरान की धनराशि उसे वापस दे दी जाएगी। हालांकि सुनील बहुल अरब देश और इजराइल इस समझौते के खिलाफ थे। और आपने देखा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, ये एक एक समझौते से निकलते जा रहे हैं, समझ रहे हैं? और इतनी बुरी है हमारे अमेरिका की हालत इन्होंने कर दी है कि आप देखिए कि एक उत्तर कोरिया के सामने, उत्तर कोरिया का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसके सामने भी इन्होंने हथियार ही डाल दिए, क्योंकि एक छोटा सा देश जिसकी कोई औकात नहीं, उससे भी आप दो बार मिल चुके हैं, मतलब समझ रहे हैं कि इतना मतलब झुकना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में इन्होंने देखिए कि आतंक जो भी समूह थे उनसे हमें इन्हें समझौता करके निकलना पड़ रहा है। अभी पूरी तरह से समस्या अफगानिस्तान में खत्म नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी देख रहे हैं आप लोग। फिर भी बराक ओबामा ने ईरान को राहत दी थी, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति कुछ सुधरी और उसने पश्चिम एशिया में अपना दबाव बढ़ाना शुरू किया। एक दृष्टि से ईरान ने इस क्षेत्र के शिया बहुल इस्लामिक देशों को अपने साथ मिलाया, जिससे सुन्नी और शिया की पारंपरिक दरार बढ़ती नजर आई। राष्ट्रपति ट्रंप जब सत्ता में आए तो उन्होंने ओबामा की नीति को खारिज करते हुए इस परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया और ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध तेज कर दिए। इसकी वजह से ईरान अपना तेल तक नहीं बेच पा रहा था। एक समय आपने भी सुना था कि सभी देशों को मना भी कर दिया था कि कोई ईरान से कोई व्यापार ना करे। इसके अलावा ट्रंप सुन्नी अरब देशों के साथ भी खड़े हैं, जो कि अमेरिका की पारंपरिक नीति रही है। अमेरिका के एक उद्देश्य ईरान में विलायत एक कफी शासन प्रणाली को तोड़कर और सत्ता परिवर्तन भी है। ऐसी सूरत में ईरान ने अपनी पारंपरिक विदेश नीति से, जिसमें वह हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा है, का किनारा कर लिया है। इससे चीन को एक मौका मिला है, अब वह इसका पूरा लाभ उठाता दिख रहा है। क्यों उसे देखिए, चीन उस तरह है कि उसे जहां भी मौका मिलता है तुरंत उसका फायदा लेता है। आप सोचिए, एक समय आपका पाकिस्तान की तरफ अमेरिका हुआ करता था, रूस हमारी तरफ हुआ करता था, तो उस समय चीन के और पाकिस्तान के संबंध ठीक नहीं थे, लेकिन आज आप देखिए जैसे ही अमेरिका आपकी तरफ झुका है, चीन तुरंत पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, रूस भी आपका पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। चीन ने राष्ट्रपति सी जिनपिंग के शासनकाल में आक्रामक रुख अपनाया,
उसकी कोशिश रही है कि वह हर क्षेत्र में अमेरिका को बराबर की टक्कर दे। कोविड-19 के संक्रमण काल में जहां वॉशिंगटन ने उस पर दबाव बनाने की कोशिश तेज की, तो चीन ने भी अपनी विस्तारवादी नीति को हवा दे दी। हांगकांग, ताइवान, दक्षिण चीन सागर सहित भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पर इसे अनुभव किया जा सकता है। देखिए यहां ये आपका चीन है, ये चीन दिख रहा है, ये आपका हांगकांग है, ताइवान, ये आपका दक्षिण चीन सागर है, ठीक है। और यहां आपकी LAC पर बात की जा रही है, यहां भी आपने देखा है विवाद हो रहा है। ईरान में जिस मंशा के तहत बीजिंग अपने कदम बढ़ा रहा है, वह असल में अमेरिका को दिया जाने वाला साफ संकेत है कि उसे ट्रंप की नीतियों में से की कोई परवाह नहीं है। अमेरिका बेशक ईरान पर तमाम प्रतिबंध लगाए, पर बीजिंग उसके साथ हर क्षेत्र में अपने संबंध आगे बढ़ाएगा। जाहिर कि इसका असर पश्चिम एशिया पर तो पड़ेगा ही, दक्षिण एशिया में भी पड़ सकता है, जहां भारत के प्रभावित हो सकते हैं। भारत और ईरान के ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। नई दिल्ली ने हमेशा यह कोशिश की है कि उससे आर्थिक, वाणिज्यिक और सामरिक संबंध इस कदर आगे बढ़ाए जाए, किससे, ईरान से, कि दोनों देशों के हितों को लाभ हो। मगर अमेरिका और ईरान के रिश्तों में आई खटास का असर नई दिल्ली, तेहरान पर भी ही रहे नहीं, अन्य देशों के साथ ईरान के संबंधों पर भी पड़ा है। अमेरिका द्वारा ईरान के साथ तेल व्यापार को प्रतिबंधित करने का देने का असर भी नई दिल्ली तेहरान के रिश्तों पर दिखाई दिया है। यहाँ गौर करने की बात है कि अमेरिका ने चाबहार परियोजनाओं पर अपने प्रतिबंध से अलग रखा था, यानी कि इसे चाबहार को अपने प्रतिबंधों से छूट दी हुई थी। ऐसे में अच्छा यही होता कि चाबहार जाहेदान रेल परियोजना में आपसी सहयोग बना रहता, अगर इस मसले पर अमेरिका से बातचीत आवश्यक थी तो की जानी चाहिए थी। बहरहाल अमेरिका और चीन के बीच जो राजनयिक और सामरिक खेल चल रहा है, उसमें ईरान भी एक मोहरा बनता दिख रहा है। मुश्किल यह है कि हमारे पड़ोसी, पश्चिम के पड़ोसी देशों में चीन का बढ़ता दबदबा हमारी बड़ी मुश्किलें बढ़ा सकता है। पाकिस्तान में चीन का दखल जग जाहिर है, अब तेहरान भी बीजिंग के पाले में जाता दिख रहा है। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में उसके हस्तक्षेप छिपे नहीं है। ऐसे में भारत को अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और राजनीतिक व कूटनीति को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी। चीन के रवैये को लेकर भारत और विश्व शक्तियों के बीच संपर्क बढ़ाना होगा, जिसमें यूरोपीय संघ की बुधवार को ही बैठक काफी अहम है। साफ है कि अगर अभी संजीदगी नहीं दिखाई गई तो आने वाले वर्षों में भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आपको भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं चीन हर तरह से आगे बढ़ रहा है, तो आपको भी हर तरह से अपने आप को इतना ताकतवर तो रखना चाहिए कि चीन आपको कहीं मात ना दे दे। चलिए, ये था आपका आर्टिकल चाबहार से संबंधित।